नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और वहीं सलार 2 के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि इस फिल्म का कलेक्शन कितना रहा था और वहीं सलार 2 मूवी का क्रेज और बस कितना ज़्यादा ऑडियंस के बीच में बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार जो कि एक जोरदार और दमदार फिल्म साबित हुई थी, और वही दोस्तों सलार एक एक्शन से भरपूर फिल्म थी। आप लोगों को पता ही चले कि सलार मूवी जो कि एक भारतीय भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, और वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, प्रशांत नील जो कि केजीएफ जैसी मूवियाँ बना चुके हैं, फाइनली उन्होंने प्रभास के साथ भी काम किया और प्रभास की फिल्म जो कि सलार जो कि एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। हालांकि प्रशांत नील का कोई जवाब नहीं है, प्रशांत नील अपनी हर फिल्मों में नया कैरेक्टर और ढांसू जो कि एक्शन दिखाते हैं, और साथ ही साथ ये जो कि अपने जो कि फिल्मों की जो कि एडिटिंग जो कि एक यूट्यूबर से करवाई थी जो कि केजीएफ की, और वहीं दोस्तों ये जो कि टैलेंट देखते हैं और फिर उस हिसाब से काम करते हैं, और किसी को भी जो इतनी बड़ी मूवी थी केजीएफ चैप्टर 2, और वहीं दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 को जो कि एक छोटे से बच्चे ने जो कि उसकी एडिटिंग करी थी और वहीं उसने तबाही भी मचाई। आप लोगों को पता ही चले कि फाइनली जो कि सलार जो कि इसका दूसरे पार्ट का इंतजार ऑडियंस कर रही, लेकिन इसके पहले पार्ट ने ही जो कि अच्छा खासा कलेक्शन किया था इस फिल्म के, जो कि बजट पहले पार्ट का था 270 करोड़ रुपए, और वहीं बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने पहले ही दिन 90 करोड़ 7 लाख रुपया कारोबार किया था और सारे हेटर्स की बोलती बंद करी थी। इस फिल्म में आप लोगों को प्रभास नजर आए थे, और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि पृथ्वीराज देखने को मिले थे, और वहीं आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म में प्रभास का जो कि बहुत ही डेडली लुक और बहुत ही डेडली एक्शन दिखाया गया था। दूसरे दिन का कलेक्शन की बात करें तो दूसरे दिन इस फिल्म ने जो कि 56 करोड़ 35 लाख रुपया कारोबार किया था, और वहीं दोस्तों इस फिल्म ने टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो कि 406 करोड़ 45 लाख रुपए का किया था, और वहीं वर्ल्ड वाइड पर इसने 617 करोड़ रुपए और वर्ल्ड सेल मार्केट में इस फिल्म ने 130 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वहीं दूसरे पार्ट का इंतजार ऑडियंस बहुत ही बेसब्री से कर रही है, और दूसरा पार्ट भी इस फिल्म का बहुत ही जल्द आएगा। हालांकि रिलीज डेट अनाउंस नहीं करी गई, लेकिन आप लोगों को बताया चले कि दूसरा पार्ट भी जो कि ताबड़तोड़ कलेक्शन करेगा और सारे हेटर्स की बोलती बंद करे। दोस्तों आप लोग जो कि डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार मूवी के दूसरे पार्ट का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।